तो राम भक्तों के लिए आज इंतजार की घड़ी खत्म होने का दिन है। आज उनके रामलला पहुंच गए हैं गर्भगृह में। अब आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री यम नियमों से पूरी तपस्या के साथ। दोस्तों 2024 इंडिया का इलेक्शन जितना सामने आ रहा है, मोदी जी का ड्रामा बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसा एक ड्रामा आप लोगों के सामने आज लेकर आया हूँ, स्पेशल रिपोर्ट है। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल का वीडियो। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों मोदी जी का ड्रामा तो बहुत पहले से चालू है, 2019 में भी ऐसा ड्रामा किया, अभी 2024 में इलेक्शन तो अभी 2-3 महीना बाकी है, 3 महीना शायद बाकी है, लेकिन उसकी पहले से ड्रामा चालू हो गया। वो ड्रामा क्या है वीडियो देखने में इंशाल्लाह पता चलेगा। दोस्तों अगर आप लोग ने मेरा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात का है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरा हर वीडियो का अपडेट पहले आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूले, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है, देशवासी को जानना चाहिए कि मोदी जी क्या ड्रामा कर रहा है, और आपका प्यारा सा एक लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ, लेट्स प्ले द वीडियो। तो राम भक्तों के लिए आज इंतजार की घड़ी खत्म होने का दिन है। आज उनके रामलला पहुंच गए हैं गर्भगृह में। अब आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री यम नियमों से पूरी तपस्या के साथ प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहे हैं स्वयं। देखिए ये रिपोर्ट। जमीन पर सोना और सिर्फ नारियल पानी पीना, इन दिनों यही है पीएम मोदी की डेली की डाइट, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी का उपवास चल रहा है, मतलब प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री एक कठिन तपस्या कर रहे हैं। राम भक्त नरेंद्र मोदी की दिनचर्या बड़ी सख्त है। दरअसल अनुष्ठान के लिए 11 दिनों के उपवास पर हैं नरेंद्र मोदी। पिछले 161 घंटे में क्या क्या हुआ उसकी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल हमें मिली है, और जो पता चला है वो बेहद हैरान करने वाला है। हम प्रधानमंत्री के कठोर व्रत से जुड़े जानकारी आपको बताएं, उससे पहले मोदी का संकल्प सुनिए। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन है। मैं भी प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो अनुष्ठान होते हैं उनके यम नियमों का पालन कर रहा हूं। बीते दिनों मुझे अनेक मंदिरों में दर्शन और वहां सफाई करने का सौभाग्य मिला। सूत्रों के मुताबिक प्राण प्रतिष्ठा के लिए नरेंद्र मोदी 11 दिनों की तपस्या पर हैं, कठोर व्रत कर रहे हैं, अनुष्ठान के सभी नियमों का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। 12 जनवरी से मोदी उपवास पर हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री गद्दे पर नहीं बल्कि जमीन पर कंबल बिछाकर सो रहे हैं। बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी सिर्फ नारियल पानी पी रहे हैं, न कोई फल खा रहे हैं और न ही कोई अन्न ग्रहण कर रहे हैं। सरल शब्दों में समझें तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए मोदी कठोर तपस्या कर रहे हैं। हमें ईश्वर के यज्ञ के लिए, आराधना के लिए स्वयं में भी दैवीय चेतना जागृत करनी होती है। इसके लिए शास्त्रों में व्रत और कठोर नियम बताए गए हैं जिन्हें प्राण प्रतिष्ठा से पहले पालन करना होता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा की कुछ तपस्वी आत्माओं और महापुरुषों से मुझे जो मार्गदर्शन मिला है, उन्होंने जो यम नियम सुझाए हैं उसके अनुसार मैं आज से 11 दिन का विशेष अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूं। बीते 6 दिनों से मोदी सिर्फ नारियल पानी पर हैं, पेट खाली है, लेकिन प्रधानमंत्री का काम रुका नहीं, जोश में कोई कमी नहीं दिखी, कोई सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया और कठोर व्रत भी जारी है। प्रधानमंत्री जी, जो भी उनसे अपेक्षा की जाएगी, क्योंकि उनको यह स्थान मिल रहा है कि वह गर्भगृह में आए और वह प्राण प्रतिष्ठा के भागीदार बने, साक्षी बने, इसलिए यह यदि उनसे अपेक्षा की जाती है कि किस अनुशासन में रहेंगे, किस तारीख से रहेंगे, तो उन्होंने यह स्पष्ट किया है
कि यदि कोई अनुशासन उन्हें बताया जाता है जिससे कि वो इसके योग्य बन सकें तो वो अवश्य उसकी पूर्ति करेंगे। अच्छा, ये आपने बहुत बड़ी बात बताई। आप कह रहे हैं कि पीएम ने कहा है कि जो भी अनुशासन, जैसे अन्य धर्म के लोग मानते हैं, अगर उनसे कहा जाएगा कि यहाँ के पहले करना है, जिसमें व्रत से लेकर पूजा या कोई भी विधि, जो भी होगा, उन्होंने रजामंदी, उन्होंने जानकारी चाहिए जी, कि आप कृपा करके मुझे अनुशासन व्यवस्था बता दें, हम उसका पालन करते हुए यहाँ आएंगे। पूरे 11 दिनों तक मोदी अन्न का एक दाना भी नहीं चखेंगे, लेकिन उनका एनर्जी लेवल हाई है। इस दौरान वो एक के बाद एक राज्यों का दौरा कर रहे हैं, यानी उपवास में ही कई राज्यों को पार किया। हजारों किलोमीटर का फासला तय किया, लेकिन नरेंद्र मोदी का कठिन उपवास जारी रहा। मोदी के स्टैंडर्ड से भी देखें तो 11 दिन बेहद थकाने वाले हैं, लेकिन मोदी की एनर्जी का राज क्या है, सुनिए। भैया, मैं दिन में सोता नहीं हूँ तो, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपका सवाल है 24 घंटे के हिसाब से, तो मैंने मजाक में कह दिया वो ठीक है, लेकिन मेरी नींद बहुत कम है। मैं, मेरे डॉक्टर मित्र जितने हैं वो इस बात को लेकर के मुझे लगातार सलाह देते रहते हैं, मुझे अपनी नींद बढ़ानी चाहिए, मुझे मिनिमम 5-6 घंटे सोना चाहिए, मेरे हेल्थ के लिए भी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा वर्कहोलिक बन गया हूं और कई सालों से मेरी आदत हो गई है। मैं मुश्किल से 3.5-4 घंटे सोता हूं, लेकिन वो मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है। मैं बिस्तर पर जाता हूं, 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में, और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है ठीक उसी समय उठता हूं। तो एक प्रकार से साउंड स्लीप है, लेकिन मेरी बहुत कम स्लीप है। मुझे दिन भर कभी सोना नहीं पड़ता है, मैं दिन भर काम करता रहता हूं, और उसका एक कारण है मैं योग और प्राणायाम इससे जुड़ा हुआ हूं। वैसे नरेंद्र मोदी नवरात्रि का उपवास भी रखते हैं। चैत्र नवरात्रि के व्रत में नींबू पानी के साथ हर दिन सिर्फ एक फल खाते हैं, जबकि शारदीय नवरात्रि में 9 दिनों तक कुछ नहीं खाते, सिर्फ पानी पीते हैं। नरेंद्र मोदी पीएम बनने के बाद सितंबर 2014 में पहली बार अमेरिका यात्रा पर गए। उस दौरान शारदीय नवरात्रि चल रहे थे। 30 सितंबर को तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने व्हाइट हाउस में भोज दिया, लेकिन पीएम मोदी ने सिर्फ गुनगुना पानी पिया था। बड़ी बात यह है कि मोदी की एनर्जी का राज उनके व्रत हैं। मोदी मानते हैं कि उपवास और योग की वजह से उनकी इम्यूनिटी अच्छी है। यहाँ याद रखने वाली बात है, जब दुनिया भर में कोविड का कहर टूटा, तब भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी फिटनेस के बलबूते वायरस को मात देने में कामयाब रहे। सरल शब्दों में समझें, न मोदी का काम रुका न अनुष्ठान। प्रधानमंत्री 3-4 घंटे सोते और फिर अगली सुबह बिना खाए अपने काम पर डट जाते। आज तक ब्यूरो। हिमांशु हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, तमाम यम नियमों का पालन करके प्रधानमंत्री अनुष्ठान के लिए, उस बड़े दिन के लिए वो अपनी तरफ से तैयारी कर रहे हैं, जो प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल हो रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि हिमांशु, ऐसे कड़े नियमों का और ऐसे कड़े यम नियमों का पालन करते हुए वो रोजमर्रा के अपने कामकाज को भी लगातार कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल अंजना, और जो नियम है किसी भी जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो बहुत ही जटिल होते हैं और बहुत ही कठोर भी होते हैं। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन सभी नियमों का पालन भी किया है, और साथ ही साथ क्योंकि इसमें व्रत रखना होता है तो उन्होंने व्रत भी रखा है, और व्रत में सिर्फ वो जो सेवन कर रहे हैं जल का, यानी कि वो भी जो है नारियल पानी पी रहे हैं, और जो जहां सोना होता है वो बिल्कुल जमीन पर सोता है तो कंबल के ऊपर हुए हैं, चाहे वो ट्रेवल कर रहे हो किसी राजभवन में स्टे कर रहे हो या किसी स्टेट गेस्ट हाउस पे। अगर आप देखेंगे तो 12 तारीख को जब उन्होंने ये शुरू किया था, महाराष्ट्र के दौरे पे थे, उसके बाद उन्होंने जो है केरल और आंध्रा का दौरा किया है, तमिलनाडु वो गए हैं, और अब कल से 3 दिन के फिर दौरे पे हैं। अगर आप देखें तो कर्नाटक जा रहे हैं, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 तारीख को लौट कर आएंगे और 22 तारीख को जो है उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की जो पूरी प्रक्रिया है वो करनी है राम मंदिर के लिए। तो एक तरीके से उन्होंने 11 दिन का जो अनुष्ठान के लिए जो भी नियमों का पालन था वो भी किया और अपने काम को भी पूरा किया।
और उत्तर दक्षिण जितने दौरे उनके चल रहे हैं उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको। अब आपको दिखाते हैं प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसे अयोध्या में सुरक्षा चाक चौबंद है। ब्लैक कमांडोज अयोध्या में चप्पे चप्पे पर खड़े हैं, नजर बनाए हुए हैं, बख्तरबंद गाड़ियां अयोध्या में मार्च कर रही हैं। अयोध्या की सुरक्षा पर यह स्पेशल रिपोर्ट। अयोध्या की सुरक्षा कितनी अहम है इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 22 तारीख के तकरीबन 4-5 दिन पहले से ही एक रूट पास्ट जो कि ब्लैक कैट कमांडोज हैं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी एटीएस के, वो लोग अयोध्या की सड़कों पर इस वक्त रूट पास्ट मार्च पास्ट करते दिख रहे हैं। आप देखिए ये तमाम जो आपको ब्लैक कैट कमांडो दिख रहे हैं, ये जो बख्तरबंद गाड़ियां आपको इस वक्त दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये एटीएस से के ये कमांडोज हैं और इन्हें जिम्मेदारी दी गई है अयोध्या के सुरक्षा की। आप तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अयोध्या चूंकि बेहद ही संवेदनशील है, 2007 में राम मंदिर पर एक टेरर अटैक भी हुआ था और उसे देखते हुए कोई भी चांस सरकार लेने के मूड में नहीं है। सिर्फ जमीन की बात नहीं, ड्रोन से लेकर स्कैनर तक और फिर नदी से लेकर ट्रेन तक सब जगह सुरक्षा की ये व्यवस्था होगी। हम आपको एक बार फिर दिखा दें, ये ब्लैक कैट एटीएस के कमांडोज हैं जिनकी जिम्मेदारी अयोध्या में सुरक्षा देनी है। कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक तौर पर भी लोगों पर इसका असर रहे, इसलिए पूरे शहर में इनका ये रूट पास आपको दिखाई देगा। सरकार ने कहा है कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, ऐसी सुरक्षा की गई है और उसका एक उदाहरण, उसकी एक पानगी इन ब्लैक कैट कमांडो के जरिए हमें इस वक्त अयोध्या की सड़कों पर दिखाई दे रहा है। समर्थ, जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और ये समझा भी जा सकता है क्योंकि आप भी खड़े हैं, आपके पीछे एक प्रोसेशन आ रहा है, कहीं दक्षिण भारत से, कहीं उत्तर भारत के किसी राज्य से, हर जगह से ऐसा लगता है जैसे सबसे बड़ा समागम अब अयोध्या में हो रहा है। बिल्कुल अंजुम, देखिए किसी भी जिले में या राज्य में ये होता है पुलिस के लिए टास्क की उनके राज्य में क्या चीजें चल रही है क्या नहीं चल रही, पर अयोध्या इस वक्त इस तरह से बन गया है कि साउथ से लोग आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, बंगाल से आ रहे हैं, तो पुलिस के लिए बड़ा टास्क ये भी है कि सबका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा और वो भी तब 22 तारीख को जो सेरेमनी है, जो किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके लिए बहुत बड़ा टास्क पुलिस के लिए होने वाला है। कई चीजें करी गई है, यूपी एटीएस भी है, एसटीएफ की भी है, कमांडोज आपने देखे वो भी है, जल पुलिस लगाई गई क्योंकि सरयू किनारा है, वहां भी भक्त जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं, तो वहां पर कोई अनहोनी ना हो उसके लिए जल पुलिस लगाई गई है, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स भी लगाई गई है, यूपी एटीएस के कमांडोज घूम ही रहे हैं। इसके अलावा यूपी पुलिस ने ऐसे समय पर कोई रिस्क लिया भी नहीं जा सकता है, बहुत बड़ी चुनौती रहेगी समझ परिस्थिति को संभालने में क्योंकि हम सिर्फ यहाँ कल्पना कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन राम भक्त बहुत आतुर हैं और 22 जनवरी तक तो एक चुनौती है ही, उसके बाद 23 से भी लाखों लाख वहां पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अयोध्या पर अखंड कवरेज आज तक पर जारी रहेगी। हमने आपको सबसे पहली तस्वीरें दिखाई है, बड़ा दिन है, प्रभु राम अपने गर्भगृह में राम मंदिर में पहुंच गए हैं। दोस्तों वीडियो देखा है, वीडियो की जो धर्म की बात है, किसी की धर्म को लेकर मेरा कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन टिप्पणी है मोदी जी का जो ड्रामा है इसके ऊपर। दोस्तों मोदी जी जो ड्रामा कर रहा है ये तो दोस्तों काबिले तारीफ, ऐसा ड्रामा दूसरा कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि दोस्तों मोदी जी अगर इतना ही धर्म को पालन करने वाला है तो पहले अपना घर के ऊपर झांक कर देखो घर में क्या है, पहले अपना घर को सुधारना चाहिए, अपना बीबी के हक देना चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, ये जो जहां पे मंदिर बनाया गया है ये तो बाबरी मस्जिद मस्जिद का जगह है, कोर्ट ने कहा मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाया गया था, लेकिन आप लोग मस्जिद को तोड़कर मंदिर बनाया है, तो कौन सही है कौन गलत है वो तो दिखाई दे रहा है, सामने सब कुछ है, पर मोदी मीडिया बस मोदी 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 24 आवर्स मोदी ही है। अगर मोदी जी का इतना भक्त है इंडिया में तो मोदी जी का ये सब ड्रामा करने का, और ये सब ड्रामा का सब मोरल ऑफ द स्टोरी 2024 का इलेक्शन सामने, बस बाकी कुछ नहीं, सत्ता मिलना ही चाहिए, यही ड्रामा है दोस्तों, हमको समझाने का कोई जरूरत नहीं, हम समझ पाते हैं।
गोदी मीडिया क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है थोड़ा बहुत समझ में आता है। और दोस्तों जब हो गया है मंदिर तो मंदिर का उद्घाटन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जो कर रहा है ये बस 2024 के इलेक्शन के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका क्या ख्याल है, मैं और बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा, तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। आपका प्यारा साथ से एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो अच्छा लगा है तो सामने शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों मिलता हूँ किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह।